Hi everyone and welcome back to my channel. So guys, I'm back with another HatiBagan shopping haul. So this is my HatiBagan shopping haul part 5. और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि ये मेरा पार्ट 5 है और पार्ट 6 जो नेक्स्ट वाला हॉल होगा बहुत जल्दी आएगा और उसमें आप लोगों के लिए गिव अवे है. मैंने गिव अवे के लिए मिंत्रा से कुछ सामान मंगाया था जो आज ही आया, तो मैंने उतना खोल के बॉक्स सब नहीं, मतलब लाइक उसके अनपैक नहीं किया, नहीं तो मैं आज की वीडियो में ही पार्ट 5 में गिव अवे रख देती. सो नेक्स्ट 6 में गिव अवे होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल गाइज एंड लेट्स बिगिन. So guys, the first piece is a jewelry piece. It's a mang tika. So this is how it looks. It's a beautiful mang tika. And it has these beautiful pearl detailing, kundan work. It's really, really very beautiful. I'll just show you how it looks on me. And guys, ये वाला मांग टीका मैंने अनीता हसनन नानी इंस्पायर्ड मेकअप लुक में पहना था, नागिन वाला. तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लेना, बताना मुझमें कैसा लग रहा है ये. आई रियली लाइक इट. और इसकी मैचिंग की मेरे पास सेम इयररिंग्स भी है, दिखाओ कहाँ है. ये रही, मैच करती है ना, मैचिंग की इयररिंग भी है मेरे पास. एंड आई फॉरगेट टू टेल यू द प्राइस ऑफ दिस मांग टीका. दिस वन इज 4 rupees 50. इज नॉट इट प्रिटी? ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ज्वेलरी पीस. एंड सेकेंड ज्वेलरी पीस इज ऑल्सो अ मांग टीका एंड दिस इज कॉल्ड बोरला. So let me show you. This is how it looks. It's a beautiful chota sa borla and it's completely like gold and it has these ghungru hanging from here. It's ghungru ka detailing bhi bahut cute hai aur bahut 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 pretty hai. किसी ओकेशन पे इसको ऐसे छोटा सा पहनोगे रेड साड़ी के साथ तो बहुत सुंदर लगेगा. ये बहुत प्रिटी है छोटा सा. मैं इसको पहन के दिखाती हूँ कि मुझ पर कैसा लगता है. गाइज, ये वाला बोरला मैंने होली मेकअप ट्यूटोरियल में पहना था. आई डोंट नो इस मेकअप के साथ ही बोरला कैसे जा रहा है, बट इट्स रियली रियली क्यूट. ओके गाइज, मुझे एक बात बतानी थी जो मैं भूल गई. मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे वीडियोस के नीचे जो और मेरे हॉल वीडियोस है हाथीबागान के, मुझे कमेंट करके पूछा कि वो 10 रुपी वाला जो स्टॉल है वो उसका एग्जैक्ट लैंडमार्क बता दूँ. अगर आपने कमेंट किया होगा तो आपको पता होगा. एग्जैक्ट लैंडमार्क मैं कैसे बताऊँ, मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ के पास है, क्योंकि बहुत लंबा है मार्केट. मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि वो एकदम सेंटर में जाकर के आते हैं वो 10 रुपी स्टॉल. जब हम शाम बाजार से अगर आप एंटर करोगे हाथीबागान की के अंदर, तो राइट साइड वाले एरिया में आता है वो पहले तो. और स्टार्टिंग में भी नहीं होगा, एंड होगा तभी भी नहीं होगा. वो मिड में जब आप जाओगे ना तो पूरा ज्वेलरी सेक्शन ही ज्वेलरी सेक्शन है. वहाँ पे सब तरीके की इंडियन ज्वेलरीज, बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है वहाँ पे. तो वही ज्वेलरी के बीच में आपको 10 रुपी काउंटर्स, और एक नहीं है कई है, रुक रुक के आते जाएंगे. 10 रुपी स्टॉल, फिर थोड़ा सा आगे गए तो फिर 10 रुपी स्टॉल. आई मीन जो फुट पर जो डाले लगाते ना वो वैसे हैं वहाँ पे. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि 10 रुपीज़ स्टॉल वाले का मैं एग्जैक्ट लैंडमार्क बता दूँ. मुझे एग्जैक्ट लैंडमार्क समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि एक नहीं है कई है, रुक रुक के तो, लेकिन मिड में है. तो आई एम सॉरी अगर मैं एग्जैक्ट लैंडमार्क नहीं बता सकती. मुझे बहुत लोगों ने एग्जैक्ट लैंडमार्क बोलने बोला, तो मैंने बोला व्लॉग वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सब दिखाया है, तो शायद पता चल जाए. दैट्स इट. So let's move to our next item, and the third item is also a mang tika, and it looks something like this. Is not it extremely pretty, guys? बहुत 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 सुंदर है. अगर आप कोई दिवाली हो या कोई फंक्शन में, आप अपने छोटा सा फंक्शन है और उसमें आपने लहंगा या अनारकली सा कुछ पहना है, लाइक स्पेशली आई थिंक इट विल लुक ब्यूटिफुल स्पेशली विथ लहंगा और विथ
गाउन्स, लाइक इंडियन स्टाइल जो गाउन्स होते हैं ना उन पे भी पहनोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, बहुत। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ मुझ पर कैसा लगता है। एंड इट हैज़, यहाँ पे ये दो चेन वाला सिस्टम है और इसमें एक पर्ल का डिटेलिंग है एक चेन में और एक चेन प्लेन गोल्डन है। आई थिंक दो चेन है इसमें, एक पर्ल की एक प्लेन गोल्ड, बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी। एंड आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे ज्यादा सुंदर आप लोगों को तीनों मांग टिके में से कौन सा लगा। मुझे तो तीनों के तीनों ही बहुत पसंद है। सो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम। और जो नेक्स्ट आइटम मैं दिखाने वाली हूँ वो ज्वेलरी पीस नहीं है बट बहुत 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 क्यूट है, कुछ मेरे हाथ में है। और ये दिखाने से पहले बता दूँ कि यहाँ पे जो 10 रुपी काउंटर है वैसे यहाँ पे 30 रुपी काउंटर भी है। मैंने ब्लॉग में दिखाया था और मैंने पहले हॉल्स में बताया भी है, तो उस 30 रुपी काउंटर से मैंने एक चीज ली है। इट्स वेरी वेरी क्यूट एंड प्रिटी, इट्स दिस छोटू बास्केट। क्या क्यूट छोटू सा बास्केट है, इज नॉट इट एक्सट्रीमली क्यूट? छोटा सा बास्केट मैंने अपने ज्वेलरीज और थोड़ा मेकअप रखने के लिए लिया है और ये खुलता है ऐसे, बहुत क्यूट, बहुत 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 प्रिटी है छोटा सा। ये लॉक भी बहुत सुंदर होता है, ऐसे खुलता है, लॉक भी हो जाता है, हैंडल भी है, क्यूट। और ये मुझे इतना पसंद आया था, ये छोटू क्यूटू बास्केट इतना प्यारा है कि मैंने दो ले लिया था एक साथ। मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी मेरी छोटू क्यूटू बास्केट मुझे कमेंट में जरूर बताना है, मुझे बहुत पसंद आई। एंड दिस वन इज जस्ट फॉर रुपीज 330, आई मीन इतनी क्यूट है, उसने 30 रुपीज़ की है। इसमें और एक डिज़ाइन था वो राउंड और थोड़ी बड़ी थी, वो भी 30 रुपीज़ में ही थी, बट मुझे ये छोटू क्यूटू ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप ये चाहते हो लेना तो आप भी वहाँ से ले सकते हो, हाथी बगान से। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आइटम एंड इट्स अगेन अ ज्वेलरी पीस। ओके गाइस, जो नेक्स्ट ज्वेलरी पीस मैं दिखाने वाली हूँ वो मैंने अपने लिए नहीं, मेरी मम्मा के लिए लिया था। आई थिंक ये मम्मी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, किसी की भी अगर आप भी वहाँ जाते हो अपनी मम्मा के लिए ले सकते हो, ये बहुत क्यूट लगेगा, मम्मी को पसंद भी आएगा। इट्स अ मरून कलर नेक पीस और छोटू छोटू ईयरिंग्स है, क्योंकि होता है ना मम्मी लोग बड़ी चंकी स्टेटमेंट ईयरिंग्स नहीं पसंद करती, तो इसमें छोटू ईयरिंग है, बड़ा सारा पेंडेंट वाला नेक पीस है। वो प्लेन साड़ीज़ जो के साथ में पहनोगे ना, कॉटन के साथ में या किसी बॉर्डर साड़ी के साथ, तो बहुत सुंदर लगेगा। और मेरी मम्मी को पसंद भी बहुत आया था। तो ऐसा दिखता है पैकेट में, ये पेंडेंट है, ये इयरिंग मैं आपको पैकेट से निकाल के दिखाती हूँ। तो ऐसा दिखता है इसका पेंडेंट, बहुत ही प्रिटी सा है और ऐसा मूव भी करता है ये। यहाँ पे कुछ कपड़े का वर्क है और ये पूरा गोल्डन है, बहुत सुंदर है, प्रिटी सा एज यू कैन सी। और ये पूरा कपड़ा है ऐसे स्ट्रेचेबल है, ऐसे ही सेम एक ब्लैक मैंने डिफरेंट गोल्ड पेंडेंट पे लिया था, मैंने पहले हॉल में दिखाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मम्मी को बहुत पसंद आया था। ये छोटू छोटू ईयरिंग बहुत क्यूट है, ओके। सो द प्राइस ऑफ दिस नेक पीस एंड ईयरिंग, ये जो सेट इसका प्राइस है 30 रुपीज़, 30। उसने बोला 30 नहीं था, ज़्यादा बोला था, बट मैंने बार्गेनिंग करा के 30 में लिया। सो गाइज, द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस इज अ फिंगर रिंग, इट्स अ मिरर फिंगर रिंग। बाय द वे, ये सेम पीस मैंने पहले गिव अवे में रखी थी, सेम दूसरी ये मेरी है, उस वीडियो में मैंने ठीक से दिखाई नहीं थी, जस्ट बिकॉज वो गिव अवे में थी तो मैंने उसका प्राइस भी नहीं बताया था, तो आज अच्छे से दिखाऊंगी और प्राइस भी बताऊंगी। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ओह माय गॉड, एंड इट्स एडजस्टेबल, ये एडजस्ट हो सकती है, छोटी बड़ी कर सकते हैं अपने फिंगर साइज के हिसाब से। सो गाइज, ये वाली जो फिर मिरर वाली फिंगर रिंग है, मिरर रिंग जो है, ये मैंने अमेजोन पे देखी थी 600 की, और इंस्टा स्टोर्स पे 350, 400, सब जगह थी,
और उस दिन जिस दिन मैंने ये ली ना उस दिन मैं हाथी बगान ब्लॉग वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए गई थी एंड पीपल आर सो लकी फॉर मी कि मुझे ये सेम हाथी बगान में मिल गई. दो ही पीस मिली मुझे सिर्फ और ये पर पीस मतलब ईच फिंगर रिंग का प्राइस था 50 rupees. और सब जगह जहाँ 500-600 में मिल रही थी वहाँ मुझे 50 rupees में मिली और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से क्योंकि मैं उस दिन स्पेशली ब्लॉग करने के लिए गई थी. सो थैंक यू. एंड गाइज मेरे और भी बहुत सारे हाथी बगान हॉल वीडियोज़ हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब फॉर माई चैनल गाइज एंड बाय सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू एन्जॉय.